बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी मौसम में किसानों को आज पीएम की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। त्योहारों का सीजन, प्रधानमंत्री का किसान मिशन। दीपावली से पहले किसानों की बल्ले बल्ले। दीपावली से पहले किसानों के लिए ये तोहफा होगा। फाइनल तारीख घोषित 15वीं किस्त की, मैं आपको बता दूं, देखिए नवंबर महीने में किस तारीख को आएगा पैसा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का पैसा, कितने तारीख को आएगा फटाफट देख लीजिए, और क्या जरूरी काम करना है उसे भी जान लीजिए, क्योंकि तारीख पक्की हो चुकी है 15वीं किस्त की। आप लोगों को इंतजार का समाप्त हो चुका है, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप लोग लगातार इंतजार पे इंतजार किए जा रहे थे कि भैया कब पैसा आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, चूतिया पे चूतिया बनाया चला जा रहा था, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर महीने में कितने तारीख को पैसा आएगा पूरा का पूरा खुलासा करने वाला हूं, और जो सबसे बड़ा खुलासा करने वाला हूं कि आप लोगों को क्या करना है कि आपका पैसा रुके नहीं। तो चलिए मैं पूरी जानकारी आपको एक एक करके दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का भर भर के कमेंट आ रहा था कि सर कोई वीडियो ऐसी लाइए जिसमें पूरी सच्चाई हो, क्योंकि पूरी यूट्यूब चैनल पे बस यही झूठ बोला जा रहा है कि पैसा कब आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, किसानों को देखिए जो अभी अभी आर्टिकल आया है सबसे बड़े न्यूज चैनल से, उसमें साफ साफ बताया गया है कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा, तो बिल्कुल सही इस समय बताया जा रहा कि नवंबर महीने के आखिरी में 15वीं किस्त के जारी होने की संभावना है। इसके साथ पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जुलाई महीने में 14वीं किस्त दी गई थी, यानी कि 13वीं किस्त फरवरी में जारी हुई थी, इसे करीबन 5 महीने बाद 14वीं किस्त का पैसा जारी हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो 12वीं किस्त का पैसा अक्टूबर 2022 और 11वीं किस्त मई 2022 में जारी की गई थी। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपये मिलते हैं, किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं, यह पैसा किसानों को हर साल 3 किस्तों में दिया जाता है, सीधा खाते में आएंगे रुपए। मैं आपको साफ साफ तौर पर बता देता हूं, क्योंकि देखिए यहां कोई घपलेबाजी नहीं होगी, यहां साफ साफ मैं बताना चाहूंगा कि किसानों का पैसा सीधा सीधा आएगा। तारीख देखिए, तारीख देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति किस्त 2000 रुपये और एक वर्ष में कुल 6000 रुपये मिलते हैं। लाभार्थी किसानों के आधार और NPCI से लिंक बैंक खाते में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी, इसीलिए आप चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट आधार और NPCI से लिंक है या फिर नहीं। अगर नहीं लिंक तो आप लोग जल्द से जल्द इसे लिंक करवा लें। मैं आपको बता दूं कि लाभार्थी सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं, जिसमें देखना है देख लीजिए कि पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट में देखना है, आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है https://pmkisan.gov.in पर जाना है, दाहिने कोने पर बेनिफिशियरी लिस्ट टैब पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद देखिए ड्राप डाउन से राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद गेट रिपोर्ट में टाइप करके आप लोग अपना लाभार्थी जो भी हैं अपना पूरा का पूरा डिटेल्स देख लेंगे और आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, पीएम किसान योजना की वेबसाइट मैंने आपको बता दिया कि pmkisan.gov.in पर जाना है और नो योर स्टेटस टैब पर क्लिक करने हैं, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके गेट डाटा पर क्लिक कर देना है, आपके सामने आपका स्टेटस आ जाएगा। बता दें कि देखिए 15वीं किस्त ट्रांसफर किए जाने के बाद भी अगर किसी लाभार्थी के खाते में नहीं दिखाई दे तो परेशान ना हो, आप आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं, किसान लाभार्थी सूची 2023 को चेक करके इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसा क्यों ट्रांसफर नहीं किया गया। ठीक है, आप लोग अपना जानकारी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जो फाइनल तारीख बता दूं जो 15वीं किस्त का पैसा जारी होगा, वो देखिए नवंबर महीने में किसी भी दिन, यानी कि नवंबर के आखिरी तक आपको 15वीं किस्त का पैसा दे दिया जाएगा। आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करवा लें।